नमस्कार दोस्तों, आज हम सिखाएंगे कैसे आप फ़ोनपे के अंदर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप कोई भी रिचार्ज या कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करती है तो फ़ोनपे के अंदर सेव हो जाता है। अगर आप वो सेव डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को रिमूव करना चाहें तो वो कैसे करें, यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको फ़ोनपे आईडी को ओपन कर लेना अपनी। तो मैं जैसे कि फ़ोनपे को ओपन कर लेता हूँ ऐप। एंड आप अपनी पिन डालिए एंड फ़ोनपे के यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। फ़ोनपे के आने के बाद आपको यहाँ लिखा होगा माय मनी, तो माय मनी पे नीचे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मनी से रिलेटेड काफ़ी फंक्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है डेबिट कार्ड, तो आपका डेबिट कार्ड यूज की गया तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो जो आपने अभी डेबिट कार्ड यूज किया है, किसी को पेमेंट किया है, वो यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे, आपको सिंपल से उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद रिमूव पर क्लिक कर देना है और आर यू श्योर वॉन्ट टू रिमूव, तो आप ओके दबा दीजिए। एंड ओके दबाते ही आपका यहाँ से डेबिट कार्ड जो सेव हुआ था, आपने ट्रांजेक्शन की थी, रिचार्ज किया था, कोई भी एक्टिविटी की थी, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब बात ये क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्रेडिट कार्ड अभी हमारे पास नहीं है, तो हमने इसमें ऐड नहीं किया। तो जिस तरह हम डेबिट कार्ड को रिमूव करते हैं, उस तरह हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को भी रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम फ़ोनपे के अंदर अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड को रिमूव करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा। दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।